सुमन ने लगाया अपनी माँ के गुनहगार का पता, पुलिस ने की छानबीन, तीर्थ ने किया अपनी गर्लफ्रेंड को सजा दिलाने का वादा। कलर्स टीवी के शो सुमन इंदौरी के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा, जैसा कि सुमन अभी तक इस बात से अनजान थी कि जिस गाड़ी से सुमन की माँ को टक्कर लगी है और उनका एक्सीडेंट होकर ये हाल हुआ है, वो गाड़ी किसकी है। यहाँ पर पुलिस छानबीन करके सुमन को आकर ये खबर देती है कि वो गाड़ी जिससे सुमन की माँ का एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी कृतिका गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी कि वो कृतिका ही थी जो है सुमन के माँ की असली गुनहगार। और यहाँ पर हॉस्पिटल में जब तीर्थ आता है सुमन की मदद करने के लिए, तो यहाँ पर तीर्थ की मदद लेने से सुमन साफ इनकार कर देती है। और यहाँ पर जब सुमन मदद के नाम पर तीर्थ से ये कहती है कि अगर सही मायनों में सुमन को हेल्प करने की तीर्थ की इच्छा है तो तीर्थ गुनहगार को सजा दिला दे, उतना ही काफी होगा। यहां पर सच जाने बगैर ही तीर्थ गुनहगार को सजा दिलाने का वादा कर देता है, लेकिन इसके बाद सुमन इस बात का खुलासा करती है कि गुनहगार कोई और नहीं बल्कि तीर्थ के भाभी की बहन और तीर्थ की गर्लफ्रेंड कृतिका है। वेल, क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।